गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। आपने जो हमें बुलाया और आपकी कृपा से मर्जी से हम यहाँ आए हैं। मैंने आपको बुलाया, कैसे बुलाया, पत्र लिखकर या फोन करके? मतलब साधकों को बता दो। जब हम आपके वीडियो देखते थे और जो उत्कंठा और जिज्ञासा जो तितिक्षा थी हृदय में, उसके लिए हम बार बार स्मरण करते थे कि गुरुदेव कृपा करके कोई संकेत करें, किसी तरह से एक बार बुला लें, संदेशा दे दें। तो जब हम रात में सोते थे तो एक दो बार ऐसा हुआ कि गुरुदेव स्वयं पधारे, चिंतन करते करते सोते थे, तो योग निद्रा कहें, सूक्ष्म शरीर कहें, जो भी परिभाषित कर लें, तो बड़े आदेशात्मक ढंग से आओ दुबे जी, तुम मेरे पास आओ, हम तुम्हारी कुंडली जागृत करते हैं। हमने की जय हो प्रभु, हम अवश्य आएंगे, लेकिन कार्यक्रम तो कुछ है नहीं, संपर्क सूत्र कुछ है नहीं, सिर्फ हमारे पास वीडियो मात्र थे आपके। तो कहो ना कि प्यार से बुलाया है, ना मोबाइल से बुलाया, ना पत्र से बुलाया। नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल प्यार से बुलाया, करुणा से बुलाया। तो उसके बाद फिर ऐसा लगा कि कैसे जाना होगा, कब मिलना होगा, कब दर्शन होंगे। तो एक दिन फिर ऐसे ही चिंतन करते करते दुखी मन से लेटे, तो फिर आया कि परेशान मत हो, मैं जल्दी तुम्हें बुलाने वाला हूँ। और सुबह हमने जैसे ही वीडियो खोला, आपका ये कार्यक्रम का घोषणा हो गई, हृदय गदगद हो गया। आप किस शहर से आए हुए हैं? गुना, मध्य प्रदेश। गुना जी, शिवपुरी के पास है। ठीक, क्या करते हैं आप वहाँ पर अपने घर में? हमारा व्यवसाय है अगरबत्ती निर्माण का। अच्छा अच्छा जी। तो पहले साधारण चलती थी, मूलाधार में कुछ कुछ वाइब्रेशन, कुछ कंपन होते थे। जब आपसे जुड़े हम मानसिक रूप से, फिर सीधे ऐसा लगा मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक, पहले हम आज्ञा चक्र ध्यान करते थे, आपने सजेशन दिया ओमकार मंत्र के लिए ब्रह्मरंध्र पर ध्यान करें, तो ऐसा लगा जैसे एक पाइप पूरा खुला हुआ है और उसमें नीचे से तेज गति से हवा जा रही है। बस वही चिंतन चलता रहा यहाँ आते तक। फिर कभी कुंडली माता के दर्शन हुए नागन के रूप में, पहले काली दिखाई देती थी, खतरनाक भयंकर सी, बाद में गुलाबी सुनहरी सी दिखाई दी। यहाँ आने के बाद फिर एक बार पहले दिन तो नागिन के रूप में दिखाई दी, सर्पकिरण सर्पणी के रूप में। इसके बाद आप शायद बगल से निकले होंगे हमारे, तो एकदम पूरा शरीर में तेज करंट सा, एकदम विद्युत सी दौड़ी और पूरा ध्यान ब्रह्मरंध्र में चला गया। अच्छा लगा, अच्छी अनुभूति हुई। लेकिन आज जो आपकी कृपा मिली अयोध्या की, जो आपने कहा था पहले आओ दोबे जी, तो आज के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पहले हम ध्यान करते थे ब्रह्मरंध्र में, ओमकार का होता था, करते थे, अब ऐसा लग रहा कि बाहर से ही कहीं कोई प्रतिध्वनि बार बार वही ओम की आ रही है। मार सही चल रहा है या कोई अवरोध है, मार्गदर्शन करें। आप सही जा रहे हैं। दूसरा एक साधारण प्रश्न था कि कभी कभी जब साधना करते हैं तो शरीर का ताप बढ़ता है, शरीर में पीड़ा भी बढ़ती है, मस्तिष्क की पीड़ा भी होती है, तो इसमें यह भेद समझ में नहीं आता है, ये भौतिक ताप है या अपने पाप है या कोई आध्यात्मिक ताप है, इसका भेद कैसे पता करें? ध्यान के समय आपका ताप बढ़ता है। हाँ, कई बार ऐसा लगा जैसे इधर से कहीं आग सी चल रही हो, कभी ऐसा लगा कि इधर की तरफ से आग आ रही हो, और अभी आते आते तो काफी ताप बढ़ गया, तो हालांकि फिर हमें दवाई लेना पड़ी, लेकिन यहाँ आके फिर बराबर हो गया, फिर जरूरत नहीं पड़ी। फिर तो वो बड़ा मन में दुविधा चलती रही कि ये
हमारे पाप है या ताप है, क्या है ये? जब आप ध्यान नहीं करते हैं तब भी आपको वो ताप होता है क्या? नहीं, तब तो नहीं होता है। तो फिर आध्यात्मिक ताप है? कभी कभी जिस जगह पर प्राण ठहर जाता है तो थोड़ी गर्मी जैसी उत्पन्न होने लगती है। आप कुछ भी ना सोचें, अपने मार्ग में लगे रहें, दृढ़ता पूर्वक डटे रहें, श्रद्धा पूर्वक अपना कार्य करते रहें, और ये ना सोचे कि मेरे ये पाप हैं या ताप है। ये आध्यात्मिक ताप है, योगाग्नि समझो, ऐसा समझ लो। दूसरा एक आध्यात्मिक जिज्ञासा थी, ऐसा सुनते हैं कि ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, अरूप है, तो किसी चीज से कोई उत्पत्ति होती, जैसे समुद्र है उस ब्रह्म स्वरूप में, और उसमें कोई लहर उत्पन्न होती है, ऐसे ही जो ना सृष्टि बनती और बिगड़ती रहती है, तो क्या ब्रह्म में भी कोई वायु तत्व वगैरह है जहां से स्फुरणा हुई और सृष्टि का उत्पादन हुआ, निष्पन्न हुई सृष्टि? ये किताब से पढ़ के बोल रहे हो या आपस में चर्चा करते रहे? नहीं, चर्चा तो नहीं, हालांकि पढ़े हैं, तो वो जिज्ञासा जरूर रही, आज तक कहीं किसी से पूछने का मौका नहीं मिला कोई ऐसा। कहाँ पढ़ा हुआ है किताब में? ना योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ, उसमें उत्तर भी दिया होगा? हाँ, उसमें उत्तर ऐसा रहता कि वो कुछ है ही नहीं। चलो हम दिए देते हैं, आपका प्रश्न है सृष्टि और प्रलय अनादिकाल से होता चला आ रहा है और अनंत काल तक होता रहेगा, इसे समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। अर्थात कोई यदि पूछे सृष्टि कब से हो रही थी, कोई पता नहीं, ये मस्तिष्क से परे की चीज है, क्योंकि सबसे पहले परा प्रकृति की उत्पत्ति होती है उस चेतन तत्व से, और फिर उस परा प्रकृति में एक निश्चित जगह पर अपरा प्रकृति प्रकट हो जाती है उसी क्षेत्र के अंदर। जैसे इस समय हम उत्तराखंड में बैठे हुए हैं, रायवाला है उत्तराखंड के अंदर, और ये अरविंदो आश्रम है, अरविंदो आश्रम के अंदर ये ध्यान हाल है। इसी तरह से ब्रह्म के अंदर निर्गुण जो सर्वत्र व्याप्त है, उसके अंदर यानी उसकी सीमाओं के बहुत से छोटे से क्षेत्र के अंदर परा प्रकृति का स्थान, परा प्रकृति परा अपरा समझ रहे हैं, जब आपने किताब योग वशिष्ठ पढ़ ली है तो ये भी मालूम हो गया। तो अगर वैसे पढ़िए तो समस्त प्रकृति भी कह देते, परा प्रकृति को समस्त प्रकृति भी कह देते, वो ईश्वर का क्षेत्र है या ईश्वर का चित्त है उसे, या मूल प्रकृति भी कह देते हैं, अव्यक्त भी कह देते हैं, अलिंग भी कह देते हैं, उस प्रकृति के नाम कई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।